अस्सलामुअलैकुम आईना न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट वापस। जैसा कि आप देख रहे हैं हम सी व्यू पे मौजूद है आज और यहां पे मौसम बहुत ही खुशगवार है। काफ़ी सारी फैमिली यहां पे इंजॉय करने के लिए आई हुई है, तो आइए उनसे पूछते हैं, उनके तासुरात जानते हैं और देखते हैं कि इस मौसम में कितना इंजॉय कर रहे हैं वो लोग। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो इस टाइम हम बग्गी में बैठे हुए हैं और सी व्यू पे बग्गी वाला भी मौजूद है, तो उनसे पूछते हैं कि उनके कितने यहाँ पर ग्राहक आते हैं और कितने लोग आके यहाँ पे सवारी करते हैं, तो उनसे इस बारे में जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अय्यूब। मोहम्मद अय्यूब। मोहम्मद अय्यूब, अच्छा आप ये बताइएगा यहाँ पे कितनी सवारी आपको मिलती है रोजाना की? रोजाना बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह दिहाड़ी मिलते, एक दिन का नहीं मिलते भाई, रोजाना 2000-3000 मिलते। अच्छा, तो कितनी सवारियाँ हो जाती है आपके पास? पता नहीं कितना मिलते। अच्छा, इनको पता नहीं है लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको 2-3 हज़ार इनकी दिहाड़ी बन जाती है रोजाना की। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं चाय वाले, तो उनसे पूछते हैं यहाँ पे उनकी कितनी चाय बिकती है रोजाना की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, करम है। अच्छा, आप ये बताइएगा आपकी रोजाना की यहाँ पे कितनी चाय बिकती है? यहाँ से जो है पब्लिक का बात होता है, जब पब्लिक ज्यादा होते हैं फिर चाय ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो पब्लिक रोजाना की यहाँ पे ज्यादा नहीं होती क्योंकि सीवीओ है, सीवीओ में तो बहुत पब्लिक होती है। जब सीओ सही होते हैं फिर पब्लिक ज्यादा होते हैं, जब सीओ का हालात सही नहीं होते फिर पब्लिक कम होते हैं। हालात मतलब पानी का ज्यादा, पानी का जब रास्ते वो बंद होते हैं तो फिर पब्लिक बंद होते हैं, जब हालात सही नहीं होते शहर का तो फिर भी पब्लिक बंद होते हैं। हड़ताल वगैरह और ये बारिश बंद होता है, बारिश से भी बंद होता है, रास्ते बंद होते हैं ना इसलिए पानी बहुत ज्यादा चढ़ जाता होगा। तो अभी हम घोड़े की सवारी वाले जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे थोड़ी सी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे उनके कितने ग्राहक होते हैं रोजाना के, कितनी सवारियाँ उनको मिलती हैं, तो उनसे थोड़ी सी बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपका नाम? वलीद। आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी कितनी सवारियाँ होती है रोजाना की? बस ये कारोबार में फर्क होता है, जब स्कूलों का छुट्टी का दिन होता है तो काम माशाल्लाह अच्छा चलता है, जब छुट्टियाँ नहीं मिलती तो बच्चे आते बैठते, बच्चे नहीं होते तो फिर बस जो नसीब में होता है। मतलब सैटरडे संडे की बात कर रहे हैं? जी जी, संडे में काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, ज्यादा होता है। तो कितनी रोजाना की कितनी इनकम हो जाती है आपकी? जी संडे को 4000-5000 शेयर हो जाता है शुक्र अल्लाह। रोजाना के दिन? रोजाना 1200-1300 बस, वो घोड़े का दाना इतना मिलता है, अल्लाह देता है क्या, ताकि हम लोगों को गुजारा है, घोड़े का काम हो जाए। की खुराक कितनी लगती है? 500-600 का खुराक है इनका रोजाना। कुछ 500-600 बच जाते हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ एक नन्ही नन्ही सी बच्चियाँ मौजूद हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी सी हैं, तो इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। आयशा, आयशा यहाँ पे आप इंजॉय करने आए हो, नहाने आए हो? हाँ। नहा लिया? आप भी आएंगे नहाने के लिए? मजा आया आपको यहाँ पे नहाते? हाँ। कितना नहाया आपने? ये पानी में मजे आ गई। मजा आ गया भाई उन्हें? सही है। तो आप खुद बोलना चाहेंगी? बोलेंगी? क्या नाम है आपका? खदीजा नाम है। और आपका? सुमैया। सुमैया नाम है दोनों का भी। ये दोनों ट्विंस है? ट्विंस है ये दोनों। अच्छा, से आपने एंजॉय किया यहाँ पर? हाँ। मजा आया? कितना नहाए? बहुत सारा नहाए। कुछ खाया वगैरह यहाँ पे? नहीं। घोड़े पे बैठे? नहीं। ऊंट पर बैठे? नहीं। अच्छा, किसी में भी डर लगता है? क्यों, मजा आता है? नहीं, डर लगता है। चलो, आप दोबारा जा रहे हैं एंजॉय करने? बस घर जा रहे हैं? हाँ, घर जा रहे हैं। अच्छा, घर जा रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरुण जदून। अरुण जैदून साहब, तो आप यहाँ पे आए हैं सी व्यू में, तो कैसा मौसम है यहाँ पर? मौसम तो बहुत प्यारा है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत ठंडा। तो आज कैसे सोचा सी व्यू आने का? ये हमारे कजन आए हुए हैं पिशावर से, इनको घुमाने लाए। अच्छा, तो इनको मेहमानी लेकर आए हैं यहाँ पे, कजन आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? अस्मंदियार खान। अस्मंदियार खान साहब, तो आप यहाँ पर आए हैं कराची एंजॉय करने के लिए? बहुत एंजॉय किया कराची में, माशाल्लाह बहुत मजा आया। कौन कौन सी जगह अच्छी लगी कराची की आप? मुझे तो बहुत जगह अच्छी लगी लेकिन उसका नाम याद नहीं है। अच्छा। लेकिन सीवीओ का मजा ही कुछ और। कहाँ से आए हैं? मैं गदून से, स्वाबी। स्वाबी भी गदून से आए हैं ये, और इन्हें कराची में बहुत ही अच्छा लगा है। आगे तो इनसे दोबारा बात करते हैं, तो आप कहाँ कहाँ लेकर गए उन्हें? इन्हें मैं मनोड़ा हाईलैंड ले गया था। अच्छा। सीवीओ आ गए और इसको वहाँ बैरियर टाउन ले गए इनको। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी इनको? ज्यादा मनोड़ा हाईलैंड लगा। मनोड़ा हाईलैंड लगा है।
नहीं अच्छा लगा। सीवीओ भी इनको पसंद है, कल भी आए थे कह रहे आज फिर चलते हैं। मैंने कहा चलो। किस वजह से सीवीओ पसंद है? यहाँ की आबो हवा और समंदर इनको पसंद है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैमिली मौजूद है और ये लोग पार्क में बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो इनसे थोड़ा सा बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कितना इंजॉय कर रहे हैं मौसम को। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। तो ये पूरी फैमिली आपकी है, तो आप लोग यहाँ पे कितना मतलब मौसम कितना इंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग पूरी अपनी फैमिली के साथ हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। कब से आए हैं? तकरीबन एक घंटा हुआ है हम लोगों को। एक घंटा हुआ है, मतलब आप आज मौसम बारिश वाला था तो आप वो इंजॉय करने आए? बिल्कुल बिल्कुल। और ज़्यादा हम लोग इंजॉय इसलिए करें क्योंकि हमारी टोटल फैमिली है हमारा। ठीक है, तो ये सारी आपकी मतलब कौन कौन है? सारी मेरी सिस्टर हैं और भाई हैं, भाभी हैं और मतलब भाई के बच्चे हैं। आप दिखा सकते हैं? ये मेरे छोटे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह का किया। क्या नाम है? आप कब से आए हैं? कराची के ही हैं आप? हम कराची के। तो आप हर बार यहीं पर आते हैं, मतलब सीवीओ आपको इतना पसंद है? हम मोस्ट ज्यादा तो इधर ही आते हैं। वैसे तो सीवीओ ही पसंद है, वैसे तो दो दरिया वगैरह और जगह भी जाते रहते हैं। ठीक है, बैठने की जगह के हिसाब से अच्छा पार्क भी है इधर। ठीक है, तो आपके साथ कौन कौन है? मेरी वाइफ है। ठीक है, मेरे बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हर बार आते हैं सी व्यू? हाँ। नाम क्या आपका? बातें। बातें नाम। यहाँ पे सी व्यू पे कब से आई हुई है? तकरीबन सात, हाँ सात बजे से। सात बजे से आए हुए हैं। कब मतलब आपको सी व्यू पसंद है? तो बहुत पसंद है, और इस मौसम में तो और एंजॉय होता है ना। बारिश का मौसम था। और आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फिजा खान। आप भी पढ़ती हैं? जी, प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, मतलब मेडिकल इंटरेस्ट है मेडिकल में? जी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एंजॉय करने आए फैमिली के साथ बस। माशाल्लाह काफी सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। तो आप बताएंगे मौसम कितना अच्छा था? हाँ, आज काफी हद तक अच्छा था, एंजॉय किया, इसलिए आज प्लान बनाया सबने के बाहर विजिट करके आते हैं। ठीक है, जी सब जॉइंट फैमिली करीब करीब। आपका नाम? अक्सा। अक्सा, ये आप लोग तीनों बहनें हैं? जी जी, हम तीनों सिस्टर हैं। काफी फीचर्स मिलते हैं आप लोगों के, तो आप भी यहाँ पे? अच्छा, एक और भी मीस है, वो कह रही हैं पार्लर चलाती हैं। अच्छा, पार्लर चलाती हैं आप? जी। कब से चला रही हैं? अभी ओपन किया, 3 मंथ्स हो गए। कहाँ पर? अपने एरिया में ओपन किया, घर के पास। इंटरेस्ट है? जी, शौक था। मम्मा का भी, मेरा भी। पढ़ भी रही हैं? पढ़ लिया, मैट्रिक किया है बस। मैट्रिक किया, उसके आगे नहीं पढ़ना? नहीं नहीं पढ़ा, शौक नहीं है। शौक तो बहुत है, बस कुछ प्रॉब्लम्स थी तो नहीं पढ़ा। अच्छा, चले सही है। और आपकी मामा मौजूद है, वो भी उनकी बहन ही लग रही है यहाँ पर। तो उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो तीनों लड़कियाँ हैं, ये इनकी मदर हैं, तो उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि मेरी बेटियों का ले लें, उनका ले लें, इनका ले लें, अब इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? थोड़ा गाना वगैरह सुनाएंगी? कौन सुनाएगी? पठानी में ही सुना दे कुछ गाना। अच्छा, कोई भी सुना दे। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता हम उनके पास जाते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा मौजूद है, वो माइकल जैक्सन जैसा डांस कर रहा है कब से, तो उससे थोड़ा सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आसिम। आसिम, आप डांस कर रहे हैं कब से? हमें थोड़ा सा डांस दिखा दे जल्दी से। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं सवाले से। तो आप यहाँ पर आए हुए सी व्यू पे पार्क पे, तो कब से आए हुए आप लोग? तकरीबन 2 घंटे से, 1.5 घंटे से। 2 घंटे से आप लोग यहीं पर हैं? बस कुछ जगह पर अभी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं।
अच्छा आज मौसम बहुत खुशगवार था, इस वजह से सोचा कि घूम लिया जाए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। आपका नाम? फाइकली। आप क्या करते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, बलोचिस्तान से। पुलिस डिपार्टमेंट में बलोचिस्तान से, तो कैसी खिदमत है आपको? हमारी खिदमत बहुत अच्छी है। ये तो हम बखूबी जानते हैं। तो आप बलोचिस्तान से यहाँ पर आए हैं, कराची के ही हैं? नहीं, मैं बलोचिस्तान का हूँ। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आए थे। अच्छा। तो आज वैसे ही सोचा। तबीयत ठीक नहीं थी तो ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल आए थे अपना चेकअप वगैरह करवाने के लिए। वैसे ये बलूचिस्तान में होते हैं, तो वहाँ किस तरह का मौसम है? वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा मौसम है, अभी तो बारिशें हो रही हैं, हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। क्यों ख़राब हो रहे हैं? बारिशों की वजह से सैलाब वगैरह। जी जी सैलाब इसीलिए। कुछ गवर्नमेंट कर रही है इसके लिए? गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है, बस अल्लाह ही बेहतर कर सकता है। अल्लाह पाक की अफात है, गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से कोशिश कर रही है। लेकिन किसको सपोर्ट करते हैं हम लोग? पहले तो पीटीआई को वोट दिया है। अच्छा। और अब सोचेंगे, जब सोचेंगे मतलब पीटीआई से चेंज होना है? नहीं, सोचेंगे, उम्मीदवार को भी देखेंगे, कारकर्दगी को भी देखेंगे, क्योंकि हमें आवाम के ऊपर फर्ज है कि अगले की कारकर्दगी देख कर नुमाइंदा कोई मुंतखब करें। आँखें बंद करके और जो है हाथ बंद करके तो वोट नहीं देना है। आप भी बलूचिस्तान से? जी हाँ, ये मेरा भाई है। अच्छा। इसकी तबीयत। आप भी पुलिस में ही होते हैं? नहीं नहीं, मैं वैसे सियासी वर्कर हूँ। सियासी वर्कर है, कौन सी पार्टी के? बस इलेक्शन के हिसाब से चलते हैं, उम्मीदवार के हिसाब से, लेकिन रुकनियत शादी नहीं है। बदलते नहीं, उम्मीदवार को देख कर फैसला करते हैं। तो अभी कोई खास पार्टी को आप सपोर्ट नहीं कर रहे? बाकायदा मैं रुकन किसी पार्टी का भी नहीं हूँ। जी हाँ जी हाँ, माले के हिसाब से सलाह मशवरे से चलते हैं। आप यहाँ पर सी व्यू पे एंजॉय करने आए? जी जी जी, मौसम की वजह से। आज मौसम बहुत खुशगवार था। जी 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 जी, मौसम बहुत खुशगवार था इसलिए आए थे हम, और इंशाल्लाह आइंदा भी आएंगे इंशाल्लाह। तो आप ये बताइएगा कितना मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आया, यहाँ पानी में हम खूब लहरों में मज़े लिए हमने। अच्छा, नहाए हैं बहुत? जी नहाए। सवारी वगैरह भी की है? हाँ, सवारी ऊँट की थी। अच्छा, ऊँट की सवारी की। आपके साथ आपकी बेटी है? ये बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मैं शाबा। तो शाबा आप क्या करते हो? मैं एजुकेशन इंटर किया है मैंने अभी। इंटर किया है, तो आप यहाँ पे एंजॉय करने आई हो? बहुत एंजॉय किया आज हमने फैमिली के साथ, बहुत मज़ा आया। कैसा लगा आज का वेदर, कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। फैमिली थी और फैमिली के साथ तो और ही मज़ा आया। ये बात तो है, फैमिली के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये बताइएगा कब से आए हैं आप? हम लोग शाम से 8 बजे से आए हैं। 8 बजे से अब तक? 8 बजे से अब तक आए। तो आपने कितना यहाँ पे नहाया वगैरह? हाँ, बहुत नहाया, बहुत एंजॉय किया, स्पेशली फादर के साथ। अच्छा, तो ये आपके फादर हैं, आपको सपोर्ट करते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो जैसा कि आपने देखा, हम सी व्यू पे मौजूद थे और यहाँ पे बहुत सारी आवाम थी, बहुत सारी फैमिलीज थी जो बहुत ही इंजॉय कर रही थी। तो उनसे भी जाना कि कितना इन्होंने इंजॉय किया, क्योंकि मौसम बहुत ही खुशगवार था। तो सबने सोचा कि क्यों ना सी व्यू का रुख किया जाए। तो हमने यहाँ पर आए और काफ़ी लोगों से उनके बारे में जाना कि उन्होंने कितना इंजॉय किया। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।